सवाल नंबर 11 चित्र दे रखा है आपके, इसमें लिखा हुआ है कि कोण सी का मान कितना डिग्री है आपके? 90 डिग्री। ये वाला जो कोण है पूरा, ये कितना है आपके? 90 डिग्री। दूसरा है आपके एम क्या है? एबी का मध्य बिंदु है। ये एम दे रखा है, इस लाइन का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब होता है आपके भुजा को दो भागों में बांटना। और तीसरा दे रखा है डीएम बराबर सीएम, ये दोनों भी क्या है? बराबर। हमें सिद्ध करना सबसे पहले कि त्रिभुज एएमसी और बीएमडी दोनों क्या है आपके? सर्वांगसम। ये रहा एएमसी और ये रहा बीएमडी, दोनों को हमें क्या करना है? सर्वांगसम करना है। उपपत्ति में ध्यान दो, इधर दो त्रिभुज है, ए का नाम है एएमसी और ए का नाम है बीएमडी। हम लिखेंगे त्रिभुज एएमसी व त्रिभुज बीएमडी से, ध्यान दो हम पहला पॉइंट याद कर रहे हैं, इसमें तीन चीजें बराबर होनी चाहिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। कितनी बराबर है आपने? तीन चीजें। पहली, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। ए एम बराबर क्या है? बी एम। ए एम बराबर क्या है आपके? इन दोनों त्रिभुजों से ए एम बराबर है बी एम, कारण बताओ। ये है सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि एम क्या है? एबी का मध्य बिंदु। ये के ये लाइन पूरी पूरी सवाल में दे रखी हो तो लिखेंगे दिया हुआ, लेकिन सवाल में क्या दे रखा है? एम क्या है? एबी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का कारण, मध्य बिंदु क्या करता है? भुजा को दो भागों में बांटता है। दूसरा कारण क्या हो गया? सीएम बराबर क्या है आपके? डीएम। ये हो गया है सीएम बराबर हो गया है डीएम, कारण बताओ। सवाल के अंदर ये तो क्या है आपके? दिया हुआ। जैसा हम लिख रहे हैं वैसा अगर सवाल में दिया हुआ है तो ही लिखेंगे दिया हुआ। ये लोग दिया हुआ लिखा हुआ है डीएम बराबर सीएम या सीएम बराबर डीएम कुछ भी, क्योंकि सीएम पहले, सी पहले, इसलिए सीएम पहले लिखेंगे। अब देखो तीसरा एम, ये वाला कौन और ये वाला कौन, दोनों कौन क्या है आपके? बराबर। कारण तो ये दोनों कौन बराबर है, जैसे नंबर दे दिया कौन नंबर एक और कौन नंबर दो, अगर नाम पूरा नहीं लिखना है तो लिख दो कौन नंबर एक और कौन नंबर दो, ये दोनों बराबर है। कारण क्या लिखोगे? सिरसा भीमुख कौन, सिरसा भीमुख सिरसा भीमुख कौन, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आमने सामने के कोण। अब देखो नियम कौन सा लगा? एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तीन चीजें आ गई है, बाकी के तीन भी क्या होंगे? बराबर। दो भुजाएं आ गई है तो तीसरी भुजा भी क्या होगी? बराबर। मतलब कि ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी आपके? बराबर। मतलब एसी भुजा और बीडी भुजा क्या होगी? बराबर। एसी बराबर होगा बीडी, कारण क्या है? बाईसवीं। ध्यान दो, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा? बराबर। देखो ध्यान दो, सी इधर आ रहा है और डी इधर आ रहा है, नाम से भी देखना है कि सी और डी बराबर। ये अगर सी यहाँ पर तो डी यहाँ पर है, यहाँ लिस्ट नंबर लगा दो, कोण नंबर तीन और कोण नंबर चार, कोण नंबर तीन बराबर है कोण नंबर चार, त्रिभुज हुए हैं, ये कोण इस त्रिभुज का और ये कोण इस त्रिभुज का, तो वो बराबर। कारण क्या है भाई? इसको मान लो समीकरण नंबर एक और उसे मान लो समीकरण नंबर दो, जो आपके बाद में सेकंड पॉइंट में क्या आएंगे? काम आएंगे। अब लेंगे हम सेकंड पॉइंट। देखो अभी हमने एक सिद्ध किया था कि कौन तीन और कौन चार क्या है? बराबर। कौन तीन और कौन चार क्या है? बराबर। क्यों है? समीकरण नंबर कौन सा लगाओगे? दो। समीकरण नंबर दो से देखो आपको पता है कौन तीन तो इधर आया हुआ, कौन तीन इधर है, तो आपसे क्या मान सकते हो? एकांतर कौन भी मान सकते हो, तो कौन तीन बराबर होगा कौन चार, ये हो गए आपके एकांतर कौन। देखो जब रेखाएं होती है समांतर तो एकांतर कौन क्या होते हैं? बराबर। अब पहले एकांतर कौन बराबर, एकांतर कौन बोलो या अल्टरनेट एंगल, देखो जब भी एकांतर कौन बराबर होंगे, जब रेखाएं समांतर तो एकांतर कौन बराबर, अब एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या हो गई? समांतर। तो ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर।
एसी समांतर क्या है? बीडी। एसी रेखा समांतर क्या है? आपके बीडी, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। ये रेखाएं समांतर है तो इनके अंदर बनने वाले दोनों कोण क्या होंगे? आपके बराबर। क्या दोनों कोणों का योग कितना होगा? अंदर बनने वाले दोनों कोणों का योग, जैसे रेखा समांतर है ये रेखा काट रही है तो दोनों अंदर कोणों का योग कितना होता है? 180। कौन सा कोण? कोण नंबर बी और कोण नंबर सी को जोड़ने पर आता है 180। कारण हो जाएगा आपके अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। अंदर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। ध्यान दो, हमारे पास लिखा हुआ है कोण सी का मान कितना है? 90। कोण सी का मान 90 है, ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ। तो कोण बी का देखो, तो कोण बी का मान तो करना है ज्ञात, सी का मान कितना है? 90 डिग्री बराबर 180। ये प्लस का उधर भेज दो कितना हो जाएगा? माइनस। तो कोण बी का मान हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर 90। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 3। तो कोण बी का मान 90 देखो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ कोण बी बोलो या कोण डी बी सी बोलो, एक ही बात है। डी बी सी बोलो, कोण बी जो नाम बीच में लिखा हुआ था उसी का मान ज्ञात करना है। ये दो तो ऐसे लिखे हुए, मेन क्या है? कोण बी। कोण बी का मान कितना? 90 आ गया। अब हम तीसरा पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है? डी बी सी और एसी बी, त्रिभुज डी बी सी व त्रिभुज डी क्या नाम है ए सी बी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगम करना है। पहले यहाँ किन्नी लगाना है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? हमें सर्वांगम करना है। सर्वांगम कैसे होता है? कोई भी तीन चीजें बराबर, इसमें एक क्या होनी चाहिए? भुजा। कौन सा? देखो ध्यान दो, एक हो गया आपके ये त्रिभुज और एक हो गया आपके ये, तीन चीजें बराबर करनी। पहली, इस त्रिभुज की एसी भुजा और इस त्रिभुज की बीडी भुजा दोनों क्या है? बराबर। यहाँ देखो लिखा हुआ अगला दोनों नाम या अभी दोनों नाम, मतलब क्या होगा? डी बी बराबर क्या है? एसी भुजा। ये अभी हमने सिद्ध किया था, डी बी लिखो एसी लिखो या एसी और बीडी, ये दोनों क्या है आपके? बराबर। नाम तो थोड़ा चेंज है बाकी है तो यही है। एसी और बीडी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। कारण लिखोगे समीकरण नंबर एक से। क्या लिखोगे? समीकरण नंबर एक से। दूसरा, ये वाली वजह बताओ होगी, कोण सी और कोण बी भी क्या है? बराबर। कोण सी बराबर है कोण बी, कारण क्या है? 90 डिग्री। यहाँ देखो एक तो सवाल के अंदर दिया हुआ है और एक हमने अभी ज्ञात किया है। देखो यहाँ बी का मान 90 है और सी का मान यहाँ 90 है, एक तो दिया हुआ है और दूसरा आपके पास अभी हमने क्या किया है? सिद्ध किया हुआ। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर एक तो क्या किया हमने? दिया हुआ, और दूसरा क्या है आपके? और ये रिश्ते समीकरण नंबर 3 से। कौन सी का मान 90 है? पहले सी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपके? बी आ रहा है, दोनों बराबर। कारण क्या है? पहले बी आएगा, क्या पहले आएगा कौन बी और बाद में आएगा कौन सी, क्योंकि त्रिभुज पहले हम ये ले रहे हैं। इस त्रिभुज में आपके ये वाला कौन इसके बराबर होगा? आपके इस त्रिभुज के ये कौन से बराबर होगा? कारण क्या? और 90 डिग्री एक दिया हुआ है और एक समीकरण नंबर 3 से लिया। तीसरा और बताओ, अरे ये भुजा ऐसी है जो इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है BC लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे BC बराबर क्या होगा? BC। सभी चित्र के ऐसे जो नाम लिखे हैं वो नाम में उत्तर होते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ BC है, यहाँ भी BC दे रखा है, BC बराबर है, कारण क्या हो गया? उभयनिष्ठ, कॉमन भुजा। ये भुजा कॉमन है जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। अब बताओ नियम कौन सा लगा? भुजा कोण भुजा, ये भुजा ये कोण और ये भुजा, तो नियम कौन लगा? ऐसे एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो उनके अन्य भाग भी क्या होंगे? अन्य भाग मतलब ये त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज लिया, तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी? बराबर। इस त्रिभुज की तो ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, पहले नाम इसका आ रहा है, मतलब ये होगा एक छोड़ने सिंगल लो CD और क्या होगी? AB। CD भुजा और AB भुजा क्या होगी आपके? बराबर। कारण क्या है? बाई CP CT। अब है नंबर 4, CD और AB क्या है? बराबर। ये हमने अभी सिद्ध किया, सिद्ध किया अभी।
लिख सकते हो आप चाहो समीकरण लिखो या अभी हमने सिद्ध किया ये वाला है हम या उतार। अब देखो सीटी में दो दो मान है, सीटी के दो टुकड़े करो कौन कौन होता है, सीएम और डीएम। सीटी दो भुजाओं से मिलकर बनी हुई, कौन कौन सी है, सीएम प्लस डीएम बराबर क्या हो गया है एबी। अब सवाल के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि डीएम और सीएम क्या है बराबर, इधर ध्यान दो पहले डीएम और सीएम क्या है आपके बराबर। सवाल में लिखा हुआ है कि सीएम और डीएम दोनों क्या है बराबर, तो दोनों के स्थान पर हम एक ही नाम लिखेंगे और वो नाम कौन सा होगा, सीएम। ध्यान दो हमारे पास सीएम चाहिए एबी चाहिए लेकिन क्या नहीं चाहिए, डीएम नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे दोनों के स्थान पर सीएम का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे सीएम और यहाँ भी लिखेंगे सीएम बराबर क्या हो गया आपके एबी। ये दोनों बराबर है बुझाए, सीएम और डीएम बराबर दोनों के साथ एक ही नाम लिखेंगे, वो नाम कौन सा होगा सीएम का बताओ, एक और एक ही हो गया दो बार सीएम बराबर हो गया है एबी। अब ये गुणा में तो हो जाएगा इधर आते ही मान, तो सीएम का मान हो जाएगा एक बटा दो एबी।